गाइस, इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि आप गूगल ड्राइव पर फोटो या डॉक्यूमेंट कैसे सेव करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल ड्राइव ओपन करना होगा। आप गूगल ड्राइव अपना यहाँ खोले हैं तो आपको जीमेल से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसके बाद प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा। इसमें से एक फोल्डर बनाना होगा। इस फोल्डर को नेम एक दे देना होगा। मैं दे देता हूँ मनोज। उसके बाद फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा। अपलोड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जितना फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं उतना फ़ोटो क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरा हो रहा है चार चार, तो इसमें से चार फ़ोटो अपलोड हो गए हैं। उसके बाद फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इधर तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद उसमें से ऑप्शन है कि आप कभी भी कोई भी वर्ड्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इस फोटो को डिलीट करने के बाद इसके बाद डिलीट होने के बाद आप दूसरा जगह से भी देख सकते हैं। जैसे इधर से भी देख सकते हैं, जैसे फिर इधर इधर से डिलीट किया हुआ है। इस वीडियो को फिर से गूगल ड्राइव पर सेव करना होगा तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको आपका फ़ोटो फिर से गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगा। और डिलीट फॉरवेयर पर क्लिक करने पर पूरा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, पूरा डिलीट हो गया, हट गया पूरा। तो इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।